हाय गाइस, दिस इज सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं अपने चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ मीशो हॉल। एंड ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड हॉल था, क्योंकि जब मैंने फाइनली मीशो से मैंने सामान ऑर्डर किया तो लॉकडाउन लग गया, तो कुछ सामान आया कुछ सामान रह गया। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान आया मैंने सोचा उसी का वीडियो बना देते हैं, वरना बाकी का सामान का वेट करते करते तो बहुत टाइम हो जाएगा एंड उसमें से एक दो प्रोडक्ट मेरे कैंसिल भी हो गए। सो चलिए फिर इसी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। सो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, जिससे मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड बना दी है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह की मैंने ये रैक ऑर्डर करी है, यानी मुझे सेट ऑफ 4 रिसीव हुआ है। एंड गाइस, इन सारे प्रोडक्ट्स के जो भी प्राइस है, मीशो के जो भी कोड्स वगैरह होता है, वो सब कुछ मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। सो गाइज, ये मैंने ऑर्गेनाइजर ऑर्डर किया था, मुझे सेट ऑफ 4 मिला था कुछ 274 समथिंग का। बहुत सही चीज़ है ये एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और आपको 4 पीसेस रिसीव हो जाएंगे। सो ये बेस्ट मुझे लगा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरह के सेट ऑफ 4 में, जैसे कि आते हैं। सो मैंने एक में स्पाइसेस रखे हैं, मैंने एक में मैं फ्रूट्स रख देती हूँ, एक में कुछ में मैं वेजीज रख देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है फ्रिज। और सिंस ये वाइट कलर के है तो स्पेशियस भी बहुत लगता है। तो पहले मैंने अपने फ्रिज में कुछ इस तरह की बास्केट रखी हुई थी 3, तो बहुत ही ऑक्यूपाइड लगता था, मतलब बहुत ही भरा भरा सा लगता था फ्रिज। तो मैंने इनको डिस्कार्ड करके अब मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये है सेट ऑफ 3 बास्केट का। सो एक इसमें इस तरह की छोटे साइज वाली बास्केट है, एंड फिर एक और आ जाती है इस तरह की बास्केट, एंड एक फिर आ जाता है बड़ा साइज। इसमें भी काफ़ी स्पेस है, स्पेस सब में है, साइज काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइस, इसका मैंने सेट ऑफ 2 में ऑर्डर किया था, तो ये मुझे कुछ 374 की 3 मिली है ये। एंड इनको मैंने अपनी चेस्ट ऑफ ड्रॉल में सजा के रखा हुआ है। सो अभी मैंने सोचा था एक बार मैं टेस्ट करूँगी क्वालिटी की, मुझे कैसे रिसीव होती है, उसके बाद मैं आगे और ऑर्डर करूँगी। सो बहुत सही क्वालिटी इनकी, बहुत स्टडी है। हाँ, मुझे जब ये रिसीव हुई थी थोड़ी सी गंदी थी, बट मैंने वॉश कर लिया तो एकदम टिंच हो गई है। एंड काफ़ी अच्छी आपकी चेस्ट ड्रॉल लगने लगती है, बहुत ऑर्गेनाइज लगने लगता है घर आपका, जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हो। तो उसकी भी क्लिपिंग भी मैं ऐड कर दूँगी स्क्रीन पर कहीं पर। एंड गाइस, इसके बाद मैं जो लेकर आई हूँ वो है 2 मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स, जो कि ऑफर शोर मीशो से नहीं है, पर मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, बिकॉज आजकल ये मेरे मस्ट हैव प्रोडक्ट है, बिकॉज गर्मियाँ आ गई हैं तो उसके लिए बहुत ही फ्रेंडली है प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे फेस वॉश की। सो गाइस, ये है मामाअर्थ का ऑप्टन फेस वॉश, एंड इसमें है टर्मरिक एंड सैफ्रन। सो गर्मियाँ आ गई तो हमें टैनिंग वगैरह बहुत होती है, तो इस टाइम पर हमें कुछ ऐसे ऑप्टन जैसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग भी ऐड कर देता है। सो इसके कुछ की इंग्रीडियंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें है एक्वास टैरेटिक एसिड, सोडियम, सैफ्रन एक्सट्रैक्ट, निरासाइनामाइड, कैरेट सीड ऑयल, ऑरेंज ऑयल, यांग यांग ऑयल, तो बहुत सारे इसमें गुडनेस है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के, काफी सारे प्रोडक्ट्स की। अब जब हमने उप्टन फेस वॉश ट्राई किया है, तो हम उसके बाद उप्टन फेस मास्क कैसे भूल सकते हैं। सो इसके बाद मेरे पास है मामाअर्थ का उप्टन फेस मास्क, एंड इसमें भी टर्मरिक एंड एप्रिकॉट ऑयल और सैफ्रन है। सो हमने बचपन में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट के लिए, उपटन के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बनाया होगा, चाहे हमने बेसन का बनाया हो, हल्दी का बनाया हो, तो हमें वो तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है मामाअर्थ का उपटन फेस मास्क। एंड गाइज, ये मेरा सेकंड टब है, इसका मैं एक और टब ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, उसका वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पर बनाया है। सो गाइज, ये बहुत सही है, इसकी स्मेल आप देखिए, बहुत सही स्मेल है इसको। जब आप इसको लगाते हैं ना, तो आप लगता है कि आपने पूरी गुडनेस टर्मरिक और सैफ्रन की आपने अपने चेहरे पे लगा ली है। और इसका वॉश करने के बाद आपकी स्किन में एक अलग ही ग्लो आ जाता है, एक अलग ही चमक आ जाती है। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर टैनिंग ऑल्सो, अगर आपके चेहरे पर टैन वगैरह है तो यू गायब हो जाएगा कुछ ही यूज़ में। एंड मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो अपने एल्बोज पे, अपने हाथ पे और अपने नी एरिया पे वगैरह पे भी लगा लेती हूँ, तो पूरा फुल और मेरा बॉडी स्क्रब हो जाता है इससे। सो दिस इज़ मस्ट हैव, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके साथ एक एप्लीकेटर भी आता है, जो अभी मैं यहाँ पे लेकर नहीं आई, सो वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड गाइस, इस फेस मास्क के मैं की इंग्रेडिएंट बता देती हूँ आप, कोकम बटर, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, सैफ्रन एक्सट्रैक्ट, मलबरी एक्सट्रैक्ट, एप्रिकॉट ऑयल, ग्लाइकोलिक एसिड। सो बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट का नेचुरल का यूज़ किया गया है। एंड गाइस, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड हैं और नेचुरल है, ये सबसे अच्छी बात है, क्रुएल्टी फ्री है। एंड मामाअर्थ इज फुल ऑफ गुडनेस, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वोकल फॉर लोकल है। एंड अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो आप मामाअर्थ की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, और आप अमेजन, पर्पल, नायका से भी ले सकते हैं। और अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से लेते हैं, तो प्लीज मेरा कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल ही मत भूलेगा, सोना 2021। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मामाअर्थ ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जो iOS एंड्रॉइड दोनों पे मिलेगी, तो आप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड गाइज, मामाअर्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ऑलरेडी 1 लाख ट्रीज प्लांट कर चुके हैं, 1130
35 मेट्रिक टन्स प्लास्टिक रिसाइकिल कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने 50,000 सैनिटाइजर्स एंड 20,000 क्लोथ मास्क भी कोविड हीरोज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं मीसो हॉल की। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा, ये क्लिप्स। सो गाइस, ये जो सारी क्लिप्स हैं ये आम क्लिप्स नहीं है, मतलब जो आप इनको अपने बालों में लगा सकते हो। ये है, आप इनको स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप रैपर वगैरह का सामान जो आता है, जैसे चिप्स हो गए, नमकीन हो गए। सो मुझे चिप्स और नमकीन का तो दोनों का बहुत शौक है, नमकीन का तो खासकर। मेरे घर में आपको बहुत ढेर सारी वैरायटी की नमकीन मिल जाएगी। सो हर नमकीन को पॉसिबल नहीं होता है कि आप कंटेनर में स्टोर करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है और बार बार रबर बैंड ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको स्टोर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि रबर बैंड हम कहीं पे भी डाल देते हैं। सो मैंने एक वन टाइम सोल्यूशन निकाला है और मैंने ये क्लिप्स ऑर्डर करी है। सिर्फ 3 साइज में है। सो इनके कई सारे क्वांटिटी में आते हैं, 18 पीसेज, 36 पीसेज, 108। तो मैंने 18 पीसेज वाली ऑर्डर करी थी, 18 सफिशियंट थी मेरे लिए। सो आप देख सकते हो मैंने ये अपने नमकीन के रैपर में लगा भी रखी है और गाइस बिल्कुल भी सीलती नहीं है, इंटैक्ट रहती है एज इट इज़। सो अभी तो यहाँ पे मैं 2 पैकेट लेकर आई हूँ और 3-4 मेरे स्टोरेज में पड़े हुए हैं। सो ये लगा के मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो गई है। सो आप भी इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। और अगर आप जैसे मैक्रोनी हो गए, पास्ता हो गए, उन सबके रैपर में भी हर तरह के आप रैपर को आप इनसे सील कर सकते हो। वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड जो नेक्स्ट है ये है रैक, स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का। एंड गाइस ये बहुत सही चीज़ है और मुझे बहुत कम पैसों में मिल गई थी, शायद मुझे 300 से 400 के बीच में पड़ी है, इससे ज़्यादा की नहीं। वरना आप किसी और वेबसाइट पे देखोगे ना तो स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स बहुत बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट सस्ता है तो माल भी ख़राब है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट्स वेरी नाइस। तो आप इसको हैंग ऐसे आप लगा भी सकते हो हैंग करके और आप इसको ऐसे रख भी सकते हो। सो बेसिकली मैंने इसको अपने वॉशिंग मशीन एरिया के लिए लिया है, तो ताकि मैं इसमें सारे अपने जो भी क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग के लिए जो भी सर्फ वगैरह की ज़रूरत होती है, कपड़े धुलने के लिए सर्फ एक्सेल लिक्विड और जो ड्राई, सारे मैं वो स्टोर करके रख दूँ। और ऊपर क्या होता है कि जैसे हमारे जो कपड़े होते हैं, जैसे हम टेबल वगैरह साफ करते हैं, वो सारे ऊपर स्टोर कर दूँ। तो एज इट इज़ मतलब मैं किसी भी वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किचन वगैरह में भी रख सकते हैं। सो मल्टीपर्पज़ रैक है ये और बहुत अच्छी क्वालिटी, काफ़ी अच्छी है प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो। एंड गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मुझे पसंद नहीं आया है, आई एम नॉट सो हैप्पी। सो इसमें इस तरह से आपको 2 पॉकेट्स मिल जाएंगी एंड ऊपर से ये प्रोडक्ट है इस तरह से, और पीछे से ये कवर दिया है, ब्लैक ऐसे कवर है एंड ऊपर से ये पिंक कलर का। फोटो में जितना ही अच्छा लगता है, रिसीव उतना ही खराब हुआ है मुझे। मतलब इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, फोटो में बहुत अच्छा लग रहा था बट जब मुझे समझ में आया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी रैंडम या लोकल शॉप से ऐसे ही चलते फिरते उठा लिया है। मतलब जो सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उस क्वालिटी का तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई सारे प्रोडक्ट्स मुझे इतने अच्छे रिसीव हुए बट इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अगर आप एक बार थिंक ट्वाइस परचेज करने से पहले, शायद मेरा ही बैड लक हो, बट इन ऑल मुझे सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे। इसके बाद मैंने 2 सेट ऑफ फ्लावर पॉट ऑर्डर किया था आर्टिफिशियल, वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। वो देखा जाए तो वो कैंसिल ही हो गया। पहले तो मैं उसका वेट करती रही कि प्रोडक्ट आएगा आएगा आएगा, बट मुझे 5-6 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि आपका वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है, अब वो नहीं आएगा। मैं खामोखा उसका वेट कर रही थी। तो वो भी फ्लावर पॉट बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छे प्राइस मिल रहे थे, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर कभी ऑर्डर कर लूँगी। सो गाइज ये था मेरा मीशो हॉल एंड आई होप आपको अच्छा लगा। और आपको इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो लगता है जो आपके लिए यूजफुल होगा, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। और जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।